पहली यात्रा एक साजिश के तहत जो है नाकाम करी गई थी। मेरे भाई ऐसा नहीं है, मेरे मुसलमान सारे बुरे हैं, अच्छे भी हैं लोगों में। अगर अच्छे हैं तो वो सामने क्यों नहीं आए कि आओ जी हम आपकी यात्रा सफल कराएंगे? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ी हो जाती है जब मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि जो है मैं हर आदमी की सुरक्षा कहाँ करूँगा, तो ये कोई कहने की बात है। अखिलेश जी के राज में खूब पत्थर फेंकते थे, अब फेंक के दिखा दे कोई भैया, वो गैल कार्रवाई करते हैं। अगर एक पत्थर उठाता मकान तुरंत तोड़ दिया जाता है, उसकी भरपाई उससे ही होती है। और हमारे यहाँ जितना भी नुकसान करते हैं उनकी भरपाई इनसे नहीं होती, वो हमसे ही होती है। खट्टर साहब को पुतला फूका, जूते की माला पहनाई और बिल्कुल बायकॉट करते हैं। तो हम क्या अपने मंदिर के लिए भी अपना आईडीएसएम नहीं जाने दे रहे? नहीं भैया, हम नहीं जाने देंगे। क्या बात है भैया, कैसी सरकार है? अगर किसी में ताकत है ना, आने वाला हमारा जो रैली रहेगी हमारी आने वाली, या वो शिव मंदिर हो या राम की पूजा हो, कोई यहाँ कोई भी है या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ, कोई अगर किसी में दम है वो रोक के दिखा दे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश है जी। कैसे देखते हैं आप तो यात्रा में शामिल, लगता है कि तिलक भी लगा हुआ है, यात्रा करके आए पूरी, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर पीड़ा है कि हमको जलाभिषेक नहीं करने दिया। देखिए जी, पीड़ा तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। मैं जब रास्ते में था यात्रा में, तभी मेरे पास फोन पहुँच गया था कि भाई खट्टर साहब का पुतला फूंका जा रहा है। तो इसी से मालूम होता है नौजवान तो जो है इसमें बड़े नाराज हैं, क्योंकि इतना खर्चा सरकार ने लगा दिया, करोड़ों रुपए लगा दिया। अगर छोटी यात्रा निकाली, ठीक है मैं मानता हूँ G20 आ रहा है, ये देश का एक गौरव है, क्योंकि हम ही हमारे जो प्रधानमंत्री उसके मुखिया हैं, प्रधान हैं, वो मीटिंग लेंगे। लेकिन इतना खर्चा अगर लगाना था तो 4 गाड़ी भेज करके यात्रा को सफल करा देती। इतना खर्चा क्यों लगा दिया सरकार ने, क्यों बवाल बना दिया? लेकर नुहू से और फिरोजपुर जिरका पुराना पतक, सॉरी आर्मी फौज पुलिस पुलिस दुनिया भर की पुलिस खड़ी थी और एक भी आदमी रोड पे नज़र नहीं आया, तो उसका क्या मतलब? आक्रोश है। पहली यात्रा में इस रास्ता में फर्क था। क्या फर्क था? कि पहली यात्रा एक साजिश के तहत जो है नाकाम करी गई थी चंद लोगों ने, और ये इस यात्रा में कोई साजिश नहीं थी। छोटी मोटी साजिश होगी, पकड़े हैं जैसे किसी दुकान में बढ़ रहे थे 10-20 आदमी, तो वो तो चलो पुलिस प्रशासन काम अपने आप देखते। लेकिन पहली यात्रा में इस यात्रा में फर्क था, कोई साजिश नहीं होती, बड़े प्यार से। मेरे भाई ऐसा नहीं है, मेरे मुसलमान सारे बुरे हैं, अच्छे भी हैं लोगों में। अगर अच्छे हैं तो वो सामने क्यों नहीं आए कि आओ जी हम आपकी यात्रा सफल कराएंगे? देखो लोगों ने बात करी कि भाई आप यात्रा में शामिल हो गए, तो उनका कहने का मतलब ये था कि हमको कोई बाहर आने नहीं दे रहा, हम यात्रा में कहाँ से आए, हमको कोई आने नहीं दे रहा। तो इसमें तो किसी को आने नहीं दिया, दुकान सारी बंद करवा दी, सब कुछ प्रशासन सब कुछ ख़त्म करवा दिया। दुख की बात ये रही, एक जो मेन दुख की बात है कि मीडिया को भी नहीं आने दिया। अगर मीडिया भी वहाँ होता तो वो असलियत जानकारी मिलती उसको, मीडिया को भी वहाँ नहीं आने दिया। मीडिया क्यों नहीं आने दी? मीडिया का तो हक है आने का, रिपोर्ट निकालना चाहते। लेकिन ये हमें दुख है इस बात का, पूरा जो है आक्रोश है जी, क्योंकि यात्रा जो है जो नहीं निकली ना, ये ठीक है जी, G20 की वजह से सरकार ने तो G20 की वजह से रोक दी गई, परंतु बात तो वही हुई जो दंगाइया पहले चाहते थे, यात्रा को रोकना चाहते थे, आज वो शासन प्रशासन के द्वारा रोकी गई, उनका मंसूबा तो पूरा हो गया। हाँ, उनका मंसूबा पूरा होगा, भी यूँ ही कहेंगे भाई हम तो चाह रहे थे यात्रा निकले, लेकिन ये तो प्रशासन का काम है यात्रा निकलवाना, नहीं निकलवाई तो प्रशासन ने नहीं निकलवाई, इसमें हमारा क्या दोष है? हम तो एक तरफ बैठे रहे कि प्रशासन इसका जवाब दे, जब भी जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। आखिरकार तो वही हिंदुओं के साथ ही तो छलावा हुआ ना, कि जिनको लास्ट सोमवार में जाकर के जलाभिषेक करना था और वो नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ तो अब पहले गोली की नोक पर नहीं हुआ था, आपकी बार सरकार के हिसाब से नहीं हुआ। यही तो आक्रोश है कि हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये हिंदुओं के साथ ही होती, ये क्षेत्र जो है ना, यहाँ हिंदू जो है कम है, हिंदू का अल्पसंख्यक हिंदू हैं, तो सरकार को इस प्रकार से सोचना चाहिए। जो अल्पसंख्यक हैं तो इनकी सुरक्षा का काम जो सरकार का होता है, सरकार ने खुद माना है कि भाई मैं हर आदमी की सुरक्षा कहाँ करूँगा, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ी हो जाती है जब मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि जो है मैं हर आदमी की सुरक्षा कहाँ करूँगा, तो ये कोई कहने की बात है? एक मुख्यमंत्री कहने की बात का मतलब है कि आप यहाँ बैठे हैं आप सुरक्षित नहीं हैं? बिल्कुल, देखो हमारा, हम तो जो है अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारा गाँव अपने ऊपर डिपेंड करता है, जब कोई इस प्रकार से घटना हो जाती है हम खुद अपनी सुरक्षा खुद करते हैं।
कोई प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं करता। हाँ जी, यही नौजवान। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश कुमार। मुकेश जी कैसे देख, मुनीश जी कैसे देखते हैं कि आखिरकार जो मंसूबा था दंगाइयों का, वो तो पहले भी पूरा हुआ और अब की बार तो बिल्कुल 100% पूरा हो ही गया। हाँ, पूरा हो गया बिल्कुल। उनके जो उनके मन में थी उनकी पूरी होगी बात। पहले उन्होंने किया था, प्रशासन ने कर दिया। अब एक बात बताओ, हिंदू आदमी को अपनी आईडी दिखा के मंदिर में जाना पड़ रहा है। जो हमने अपने आईडी देख के वहाँ, आईडी दिखाओ भैया जब जाओ, तो हम क्या अपने मंदिर के लिए भी आईडी से नहीं जाने दे रहे? नहीं भैया, हम नहीं जाने देंगे। क्या बात है भैया, कैसी सरकार है? क्यों फिर सरकार बनाई क्यों हमने, जब हमारी आईडी वो चेक कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा हुआ हमारे जाने? आखिरकार सवाल यही होता है कि अगर दिल्ली के अंदर शोभा यात्रा रामनवमी पर निकलती है या फिर हनुमान जयंती पर निकलती है, वहाँ भी पत्थरबाजी होती है। नूह के अंदर निकली तो यहाँ पर भी हुई। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर होती है तो वहाँ पर उल्टा पुष्प वर्षा करने के लिए मुस्लिम समाज लाइन से खड़ा हो जाता है। आखिरकार ये बदलाव कैसे, आखिरकार इसका जो समस्या का समाधान क्या है? वहाँ पर योगी बाबा हैं, योगी वो राजपूत हैं, उन्हें पता है कैसे यात्रा निकाली जाती है। वहाँ उठा के दिखा दे ना, कोई पत्थर उठा के दिखा दे। पहले खूब अखिलेश जी के राज में खूब पत्थर फेंकते थे, अब फेंक के दिखा दे कोई। भैया वो गैल कार्रवाई करते हैं, अगर एक पत्थर उठाता मकान तुरंत तोड़ दिया जाता है, उसकी भरपाई उससे ही होती है। और हमारे यहाँ जितना भी नुकसान करते हैं उनकी भरपाई इनसे नहीं होती, वो हमसे ही होती है। उल्टी वो भरपाई भी हमसे, नुकसान भी ये करें भरपाई भी हम दें। ये खट्टर सरकार बिल्कुल हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। खट्टर से बिल्कुल नाराज हैं। एक मिनट भी हम खट्टर को वोट नहीं देंगे। खट्टर चेंज होता है तो बीजेपी को वोट देंगे, खट्टर चेंज नहीं हुआ तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बड़ी एक सवाल ये भी है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में पत्थर उठाने से पहले हजार बार सोचता है कि बुलडोजर तैयार है, ढा दिया जाएगा, सोचने के लिए समय नहीं है, परंतु यहाँ तो धनाधन पत्थर फेंके गए। तो यहाँ यही है ना, यहाँ सीएम कुछ नहीं है ना, वो तो बाबा तो तुरंत इलाज करते हैं। पत्थर हाथ में उठाने से, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, 100 बार सोचना पड़ता है उन्हें, भैया पत्थर फेंकू या ना फेंकू, पत्थर फेंकूंगा तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। एक बार तो उठा भी लेता है, फिर सोचता है बाबा है, रख देता है ऐसे, वही रख देते हैं बिल्कुल। पत्थर उठा के रख देते हैं क्यों, बाबा है वहाँ पे, यहाँ नहीं है कुछ भी ऐसा। ऐसा भय जरूरी है, अगर पत्थर उठाया तो बुलडोजर तैयार। ये भय यहाँ भी होता ना तो ये भी नहीं उठाते पत्थर, ये भी बिल्कुल शांत रहते। उन्हें पता है भाई ओगन भी तुम करो और फिर नुकसान भी तुम करो और हम तो हैं फिर देने के लिए। एक बात ये भी है कि यात्रा में पीड़ित भी हिंदू हुआ और दोबारा यात्रा हिंदू की नहीं हुई। समस्या तो वही हुई कि पहले भी पीड़ित, अब भी पीड़ित। कब तक पीड़ित होता रहेगा भैया? ये हमने इसीलिए बीजेपी सरकार बनाई थी कि हिंदुओं का हमारा साथ दे, पर हमारा साथ सरकार ने बिल्कुल नहीं दिया। प्रशासन भी अब सही था पर सरकार सही नहीं थी। प्रशासन में भी बेचारे बहुत बंदे थे जो सही कह रहे भाई होनी चाहिए, वो भी हिंदू हैं, वो भी बेचारे, पर वो भी मजबूर थे। उन्हें हमने बात हुई हमारी, उन्होंने कहा हम भी मजबूर भैया। बाकी बहुत दुख की बात है कि ये जो हमारी यात्रा नहीं निकली। अगर आज यात्रा निकाली जाती तो इतने पुख्ता इंतजाम थे कि जरूरी है कि बाहर के लोग नहीं आते, लोकल लोग यहाँ के नूह के थे, वो तो यात्रा निकाली सकते थे। और इतने पुख्ता इंतजाम थे और उससे आराम से ये सुरक्षा के साथ साथ ये यात्रा हो सकती थी। भैया जो अभी हमारे 51 आदमी कमेटी बनाई थी उनके लिए 1900 पुलिस, अगर जो 1900 पुलिस पूरे रोड पे लगा दी जाती तो यात्रा कौन रोक रहा था? आराम से निकल जाती यात्रा, कौन? पहले भी हमारी यात्रा आराम से निकली और अब भी आराम से निकलती, पर सरकार ने इतनी फोर्स सारी लगा दी वो 50 आदमियों के लिए। 50,000 भाई, तो हम जब मानते, वो कहते भाई तुम 50,000 जाओ, लाख जाओ, हम इतनी फोर्स लगा रहे तो हम मान लेते उसको। 50 आदमियों के लिए 1900 की फोर्स लगा दी तो भाई खट्टा ये सरकार कहाँ है फिर? ये तो सरकार तो हमें दाब, सरकार फेल, बिल्कुल फेल है, 100% फेल। इसीलिए आज आपने जूते की माला पहना, बिल्कुल खट्टर साहब को पुतला फूका, जूते की माला पहनाई और बिल्कुल बाइकॉट करते हैं, बिल्कुल बाइकॉट करते हैं। अगर गांव में नहीं घुसने देंगे बिल्कुल किसी, हम तो कैंडिडेट को भी नहीं घुसने देंगे गांव में। बीजेपी को नहीं घुसने देंगे या खट्टर के आदमी को? बीजेपी वालों को बिल्कुल नहीं घुसने देंगे जब तक खट्टर नहीं होगा। अगर मोदी का कोई आदमी आता है तो मोदी को वोट देंगे। हाँ जी, यहाँ खट्टर वाले को नहीं देंगे पर वहाँ दे देंगे, मोदी को वोट देंगे। मोदी आदमी बढ़िया, खट्टर बिल्कुल खराब है। मोदी से बैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं, बिल्कुल ये बात। क्या नाम है भाई साहब? अंकित कुमार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, आप मेरे को एक, मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये आप मेरे को ये बताओ, अगर हम प्रशासन का सम्मान अब भी कर रहे हैं, कानून का सम्मान अब भी कर रहे हैं, वरना ऐसी कोई ताकत है जो हमारे पूरे गाँव को रोक लेता कोई? अगर हमारा पूरा गाँव यहाँ से टोल बना के चढ़ता तो यहाँ किसी की ताकत थी जो रोक लेता? लेकिन सम्मान आज भी कर रहे हैं ना हम, लेकिन सम्मान उनको भी करना चाहिए ना हमारा, लेकिन उन्होंने हमारा नहीं करा।
लेकिन हम अब किसी सरकार का सम्मान नहीं करेंगे, सरकार हम अपनी खुद बनाएंगे। अब पूरा गांव एकजुट रहेगा। अगर किसी में ताकत है ना, आने वाला हमारा जो रैली रहेगी हमारी आने वाली, या वो शिव मंदिर हो या राम की पूजा हो, कोई यहाँ कोई भी है या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ, कोई अगर किसी में दम है वो रोक के दिखा दे। ये अंकित कुमार इस बात को मीडिया पे बोल रहा है। अंकित कुमार ने कह दिया कि भाई साहब कोई भी यात्रा हो या राम मंदिर की हो या महादेव की हो तो कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।